Hello students, in previous lecture we have discussed the poem Teacher's Prayer. Today we will do exercise of this poem. Page number 16, on the basis of your understanding of the poem, complete the summary of the poem. The teacher wants to teach her students how to lead their life nicely on the earth. Teacher अपने students को क्या सिखाना चाहता है कि पृथ्वी पर अपना जीवन कैसे अच्छे से जी सकते हैं वो. How to overcome the hardship and struggle. मुसीबतों को और संघर्ष को कैसे फेस किया जाता है. Then that one to face and how to improve their worth. और अपनी योग्यता को कैसे improve किया जा सकता है, अपनी qualities को कैसे improve किया जा सकता है. Next page. She doesn't want her students to have only bookish knowledge. वो नहीं चाहती, teacher नहीं चाहता कि वो अपने विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही दे. What is more important is that they should be able to choose the right path. सबसे important क्या है कि उन्हें पता होना चाहिए कि सही रास्ता क्या है. Path का मतलब रास्ता. They should be able to distinguish between life as well as appreciate the beauty of nature. उन्हें जीवन में अंतर क्या क्या सही है और क्या गलत है इसका भेद करना आना चाहिए और जो नेचर की ब्यूटी है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए. She feels that she'll have done her duty sincerely if she can teach the children to develop wisdom and grace. टीचर को लगता है कि वो अपनी ड्यूटी सिंसियरली पूरी करेगी और अगर वो बच्चों को ये सिखा देगी तो उनके अंदर विजडम और ग्रेस, मतलब कि बुद्धिमान ज्ञान और सम्मान, ये दोनों चीज़ें वो उनको दे पाएगी, उनको मिल जाएगा स्टूडेंट्स को. Finally, she prays to God to guide her in making this world full of individuals who have character, confidence and happiness. और अंत में वो क्या प्रे करती है कि भगवान इन सभी स्टूडेंट्स को गाइड करे, जो लोग इस संसार में रहते हैं उन्हें गाइड करे हर व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल का मतलब हर एक को, और उनमें क्या हो, कैरेक्टर हो, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस, उनके चरित्र का निर्माण हो, उनमें विश्वास हो और उन्हें खुशी मिले. नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर ईच स्टांजा फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो. अब यहाँ वर्ड्स दिए हुए हैं, अ सेटिस्फाइड सोल, अ प्रेयर, द गाइडिंग फोर्स, करेक्ट जजमेंट्स. हमने बताना है कि हर एक स्टांजा में क्या क्या मैंशन किया गया है. फर्स्ट स्टांजा में क्या है, अ प्रेयर. सेकेंड स्टांजा में करेक्ट जजमेंट, बताया गया है कि सही या गलत रास्ता कौन सा है. सेकंड और थर्ड में, और फोर्थ स्टेंजा में अ सेटिस्फाइड सोल, संतुष्ट जीव, संतुष्ट व्यक्ति या संतुष्ट आत्मा. और स्टेंजा फाइव में द गाइडिंग फोर्स, उन्हें गाइड करे कि वो किस तरह से अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं. Next is select any four students in your class for a survey. Speak to them and find out whether they have been influenced by a teacher who brought about any change in their. अब ये आपके सेल्फ करने के लिए है. तीन क्वालिटीज़ दे रखी हैं, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, एकेडमिक परफॉर्मेंस. अब आपने ये कॉलम दिए हुए हैं, इस टेबल को कैसे कंप्लीट करना है. आपने फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट का नाम लिखना है, दूसरे कॉलम में टीचर का नाम लिखना है, फिर लिखना है कि वो टीचर आपको क्या पढ़ाता है, और फिर आपको लिखना है कि उनकी वजह से आप में क्या चेंज आया, आपके बिहेवियर में चेंज आया, आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया, या आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस हुई, आपको पढ़ाई अच्छे से आई. इन तीनों में से किस क्या चीज़ आप में आई, क्या चीज़ आपने कंसिडर की, वो आपने यहाँ पर लिखना है. ऐसे ही सेकेंड स्टूडेंट, कम से कम तीन स्टूडेंट्स का आप, तीन या चार स्टूडेंट्स का यहाँ पर आप मैंशन कर सकते हैं. आई एम रिपीटिंग, पहले आप स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, चाहे आप अपना नाम लिख लीजिए, बाद में अपने दो तीन दोस्तों का नाम लिख लीजिए, फ्रेंड्स का नाम लिख लीजिए, उसके बाद आप टीचर्स का नाम लिखेंगे, जो जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, फिर लिखेंगे वो टीचर्स आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और उसके बाद आप लिखेंगे कि उनकी वजह से चेंज ब्रॉट अबाउट इन द स्टूडेंट, विद्यार्थी में, आप में या आपके फ्रेंड्स में क्या चेंज आए, ये आपको लिखना है. तो नेक्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 18 तक हमने कर लिया है. नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.